सो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यहाँ पे ओफ्लोक्स ओजेड टैबलेट, ओफ्लोटास ओजेड टैबलेट और यहाँ पे ओफ्लोक्स का मेरे पास ओजेड का सिरप है। सभी में कॉम्पोजिशन सेम है, क्या कॉम्पोजिशन है उसके बारे में बात करेंगे। इन टैबलेट्स का आपने भी यूज किया होगा जब आपको डायरिया यानी दस्त हुआ होगा तब डॉक्टर इसको बहुत प्रिस्क्राइब करते हैं। हम बात करेंगे कि ये कैसे होता है उसका प्रोसेस और साथ ही हम इसके बारे में बात करेंगे ये टैबलेट्स कहाँ काम करता है जो कि आपका डायरिया को ट्रीटमेंट के लिए है। उसके अलावा भी बहुत सारे यूजेस है वो आपको अभी वीडियो में देखने को मिलेगा। साथ ही आपको बताऊंगा कितने डोज में आपको लेना चाहिए, क्या क्या साइड इफेक्ट है, किन किन बातों का ध्यान रखना है जब आप इन टैबलेट्स का यूज कर रहे हो, तो वो भी हम आपसे वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो गाइस यहाँ पे मेरे पास है ओफ्लोक्स। अब यहाँ पे थोड़ा मैं समझा देता हूँ ओफ्लोक्स ओजेड और यहाँ पे ओफ्लोटास ओजेड है। ओफ्लोक्स ओजेड जो है वो एक पेटेंट है जो कि कंपनी ने बना रखा है सिप्ला, जो कि पेटेंट है, और ये है जेनरिक जो कि इंटास कंपनी ने बना रखा है। ज्यादा कोई मेजर इशू नहीं होता कि ये पेटेंट है जेनरिक है, दोनों सेम काम करते हैं, ऐसा नहीं है। अब इसके अंदर के इंग्रेडिएंट्स के बारे में समझते हैं। दो इंग्रेडिएंट्स है, एक तो ओफ्लोक्सासिन हो गया और दूसरा यहाँ पे ओरिंडाजोल हो गया। ओफ्लोक्सासिन का काम क्या है, एंटी माइक्रोबियल, आपने पढ़ा होगा, तो जो कि माइक्रोबियल इन्फेक्शन जो फैलाए हुए रहते हैं बॉडी में उसको ठीक करने का काम करता है। दूसरा यहाँ पे ओरिंडाजोल है जो कि पैरासाइट्स को किल करता है। अब ये किस तरह के इन्फेक्शन जो है ये फैला रहे हैं उसके बारे में अगर बात करें तो बात कर लेते हैं कि जो ये इन्फेक्शन बैक्टीरिया फैलाते हैं ना वो हो गया आपके GI यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो गया, लंग इन्फेक्शन हो गया, गायनेकोलॉजिकल डिसफंक्शन हो गया, इन सभी में इसका यूज किया जाता है। उसके अलावा बहुत सारे यूजेस है जैसे यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया। तो गाइस ये सब मैंने आपको बता दिया कि यहाँ यहाँ यूज कर सकते हैं और मेजरली आपको पता है डायरिया में भी इसका यूज किया जाता है, यानी डस्ट और लूज मोशन भी हम उसको सिंपल भाषा में बोलते हैं। अब ये थोड़ा आपको समझना होगा कि ये जो डायरिया है ये हो कैसे रहा है और उसके बाद ही आपको ये समझ आएगा कि जो ये सॉल्ट है ये आखिर काम कैसे कर रहे हैं। तो गाइस डायरिया जैसे कि एक तो आपने ट्रेवलेट डायरिया भी सुना होगा, मतलब कि आप कहीं ट्रेवल करने गए और आपको दस्त लगने लगा। क्या होता है ना, बाहर कहीं घूमने वूमने जो लोग जाते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वहाँ के एटमोसफियर के में ऐसे एजेंट्स होते हैं जो ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं। कैसे इन्फेक्शन, जैसे कि वो विब्रियो कॉलेरा हो गए। ये जो विब्रियो कॉलेरा जो होते हैं ये क्या काम करते हैं, ये काम करते हैं कि बॉडी में आएंगे आपके और जो आपका म्यूकोसल एपिथीलियम है ना उसको क्रॉस नहीं कर पाते हैं, उसको क्रॉस नहीं कर पाते तो क्या करेंगे, तो ये प्रोड्यूस करते हैं टॉक्सिन्स को। अब ये जो कॉलेरा टॉक्सिन्स है ना ये जाता है और वहां पर बाइंड होता है, जिसके वजह से आपके जो कैम्प का लेवल हो गया और इंक्रीज कर देता है और साथ ही यहाँ पे GMP का लेवल इंक्रीज कर देता है। ये सब जाते हैं और वहां पे कहाँ पे जाएंगे, तो ये रिसेप्टर्स के पास जाएंगे जो कि आपका क्लोराइड आयंस को वहां पे इंस्टेटाइन यानी जो लार्ज इंस्टेटाइन है उसके अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। अब आता है और जो डायरिया ऐसा कंडीशन होता है इस टाइम पे जो आपका लार्ज इंस्टेटाइन है ना, लार्ज इंस्टेटाइन उसमें से वाटर जो है ना वो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, बट डायरिया के कंडीशन में ऐसा नहीं होता, वो बॉडी जो है वो लार्ज इंस्टेटाइन में वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से वो वाटर का फ्लो बहता है और जो है वो हमारा लूज मोशन स्टार्ट हो जाता है इसी वजह से। और उसी के साथ जो मैंने अभी आपको क्लोराइड आयंस बताया ना, ये क्लोराइड आयंस भी आते हैं उसी के साथ निकलने लग जाते हैं, यानी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का जो है वो डिसबैलेंस हो जाता है, तभी डॉक्टर आपको इसके साथ ORS भी देता है ताकि आपका जो बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स है ना वो डायरिया के टाइम पे निकल गए हैं वो भी फुलफिल करे। तो गाइस ये आपको थोड़ा समझ आ गया होगा। और गाइस और भी बहुत सारे रीजंस हैं, यही जो बैक्टीरियास हैं जो ये इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं डिफरेंट आपके रीजंस पे, जैसे कि मैंने आपको बताया लार्ज इंस्टेटाइन में वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज होने की वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पे म्यूकस रिलीज हो रहा है, म्यूकस जो कि एक तरह से प्रोटेक्ट कर रहा है वहाँ पे और वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है जो आपका लार्ज इंस्टेटाइन है। आपको ये पता है कि जो हमारा स्टमक है वहाँ से न्यूट्रिएंट्स जो भी आपने खाया पिया वहाँ से एब्जॉर्ब स्टार्ट हुआ, लार्ज इंस्टेटाइन में भी होता है, बट वहाँ पे ज्यादा आपका जो वाटर का लेवल है ना वो एब्जॉर्ब होता है बॉडी के अंदर, ताकि आपको बॉडी में पानी की कमी यानी वाटर की कमी ना हो, तो यही नहीं हो पाता है इन इन्फेक्शन की वजह से। और ये कौन कर रहे हैं, तो ये बैक्टीरिया करते हैं। तो गाइस वही मैं आपसे समझाना चाह रहा हूँ, जैसे कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ओफ्लोक्सासिन जो यहाँ पे सॉल्ट है उसका काम क्या है इन बैक्टीरिया को रोकने का, कैसे रोकते हैं उसके बारे में थोड़ा समझा देता हूँ आपको। तो जो ये ओफ्लोक्सासिन है, सबसे पहले आपको ये थोड़ा सा समझना है कि बैक्टीरिया जो है वो ये कैसे डिवाइड हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था विब्रियो कॉलेरा,
जैसे कि इनके अंदर जो डीएनए होता है ना, वो डीएनए में एक एंजाइम आकर के ज्वाइन होता है, उसका नाम है डीएनए हेलिकेस। अब इसकी वजह से जो इनका डीएनए कॉइल था ना, आप ऐसा समझो कि डीएनए जो होता है ना, वो दो रस्सी होता है आपस में बंधे हुए, डीएनए हेलिकेज आया और इसको एक तरह से नीचे की साइड में ना ओपनिंग प्रोवाइड करवाया और ऊपर गांठें बंधी हुई थी। अब नीचे ओपनिंग प्रोवाइड करवाता है ना, तो वहां पर रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, जिसकी वजह से ये दो में कन्वर्ट होते हैं बैक्टीरिया। अब ये जो आप देख रहे हो डीएनए हेलिकेज, इसने ओपनिंग प्रोवाइड करवाई और ये ऊपर के साइड में तेज गांठें बनने लग गए। इसको कहते हैं हम लोग पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग, यानी बढ़ रहा है ना, आप नीचे से जितना ओपन कर रहे हो ऊपर उतना ही ज्यादा तेज गांठ बन रहा है। तो एक एंजाइम आता है टोपोआइसोमेरेस 2 और उसी को हम बोलते हैं डीएनए गायरेज। वो क्या करता है, जो ऊपर के साइड में ये गुच्छा फॉर्म हो रहा था ना, गांठें बन रही थी, उसको आराम से ओपन कर देता है हल्का सा, ताकि इतना टाइट ना रहे और नॉर्मली अपना रेप्लिकेशन कर पाए। और जैसे कि रेप्लिकेशन करेगा, जैसे ये दो बन जाएंगे, तो ये कुछ ऐसा होगा और दोनों आपस में इंटरलिंक होते हैं, जो दो डीएनए बन जाते हैं, यानी अब ये दो बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब क्या होता है कि यहाँ पे भी एक एंजाइम होता है बैक्टीरिया के अंदर ही, जिसको टोपोआइसोमेरेस 4 कहता है, वो इन दोनों को हटाने का काम करता है और ये दो डीएनए फॉर्म हो चुके हैं, यानी दो बैक्टीरिया आपस में डिवाइड हो चुके हैं। इनका काम ही ये है कि जो डीएनए गायरेस है, जो टाइट गुच्छा वो फॉर्म हुआ पड़ा था, उसको वो रिलीज कर रहा था, तो वो नहीं कर पाएगा क्योंकि ये टैबलेट ने उसको इनहिबिट कर दिया है डीएनए गायरेस को, और पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग अब होती रह जाएगी, अब वो रेप्लिकेशन ही नहीं हो पाएगा। और दूसरा जगह एक और काम करता है, जब ये सेपरेशन कर रहा था ना, यहाँ पे टोपोआइसोमेरेस 4 उसको इनहिबिट कर देता है, ताकि ये सेपरेशन ही ना हो पाए। अब तो गाइस आप समझ गए ये क्या कर रहा है, एक तरह से डिवाइड जो हो रहा है बैक्टीरिया उसको भी रोक रहा है और साथ ही यहाँ पे बैक्टीरिया को किल भी कर रहा है। सो गाइस, और दूसरा इसके अंदर अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो ओरिंडाजोल है। ओरिंडाजोल क्या करता है, ये पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब होता है बॉडी के अंदर, उसके बाद ये बैक्टीरियम सेल के अंदर के साइड में जाता है। और इसके स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो उसमें एक नाइट्रो ग्रुप होता है जो कि रिड्यूस हो जाता है किसमें, अमीन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये गाइस एक रिएक्शन जिसको हम लोग फेरोडॉक्सिन कहते हैं, फेरोडॉक्सिन टाइप रिएक्शन की वजह से एक्टिव मेटाबोलाइट में अब कन्वर्ट हो गया, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप से ये अमीन में रिड्यूस हो गया था, उसके बाद वही जो एक्टिव मेटाबोलाइट है वही बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। कैसे, तो वो जो बैक्टीरिया का डीएनए है उसको रैप्चर कर देता है, एक तरह से खराब कर देता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया किल हो जाते हैं, और साथ ही पैरासाइट को भी किल करने का काम करता है इसी का। तो गाइस अब आपको ये समझ आ गया होगा कि इसके अंदर का कॉम्पोजिशन कैसे काम कर रहे हैं। यूजेस आपको बता ही दिया, गायनेकोलॉजिकल डिसफंक्शन हुआ है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हुआ है, लंग इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, इसके अलावा भी बहुत सारे इसके यूज हैं, और डायरिया में भी यूज है। तो ये सब इसके यूजेस भी आपको समझ आ गए। अब डोज के बारे में बात करें तो जितने भी यहाँ पे आप देख रहे हो ना, सुबह शाम खाना है आपको आफ्टर मील और एक एक टैबलेट लेना है। और सिरप के बारे में बात करें तो ये भी आपको 5 ml लेना है मॉर्निंग और नाइट में। सो गाइस अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट का। साइड इफेक्ट में नॉर्मली आपको नौजिया मिलेगा, वॉमिटिंग देखने को मिल सकता है, इसके अलावा आपको इचिंग यानी बॉडी में जो है ना वो खुजलीपन और हल्का सा स्लिपनीनेस यानी डिजीनेस जिसे हम बोलते हैं। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसका यही है कि भाई आप अगर ड्राइव कर रहे हो उस टाइम पे इसका यूज नहीं करना है, कि इस टैबलेट को लेने के बाद आप ड्राइव करने चले जाओ। इसके अलावा अल्कोहल अगर आप ड्रिंक कर रहे हो तो आपको इस टैबलेट को नहीं लेना है। प्रेगनेंसी वुमेन और ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन जो है उनको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, लिवर और किडनी पेशेंट भी अपने डॉक्टर से पूछे, उसके बाद ही इस टैबलेट का यूज करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।